अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाए वॉलेट की जो न्यू अपडेट है उसके बारे में, और इसके अलावा जो आप लोगों के वॉलेट के हवाले से क्वेश्चंस आ रहे थे उनके जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे हमारा जो है आपके तरीके से जो है पाए वॉलेट रिकवर नहीं हुआ, तो वो किस वजह से नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोग एक वीक के अंदर एक ही दफ़ा जो है अपना वॉलेट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा कर लिया है तो अब आपको एक हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा उसे जनरेट करने के लिए। फिर आज की हम लोग ये जो अपडेट आई है, क्या अपडेट आई है और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इस तमाम बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है क्रिएट वॉलेट और दूसरी तरफ लिखा हुआ है टॉपिक। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पाए वॉलेट के हवाले से, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक टॉपिक दिया है आपको, यहाँ पर आप इसको पूछ सकते हैं, यानी कि एक चैट का ऑप्शन दिया है। तो इन्होंने ये कहा है, कोर टीम ने कहा है कि हम उनमें से कुछ सवालों के जवाब जो है दे देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिपीटेडली क्वेश्चंस कर रहे होंगे, यानी कि एक एक जैसे सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, तो ऐसे सवालों के जवाब कोर टीम खुद देगी। ये देखें, डॉक्टर निकोलिस जो हैं उन्होंने ये किया है। तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवाल हैं पाए वॉलेट के हवाले से, ठीक है, और KYC के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये देखें, इन्होंने ज़्यादातर जो है फेस प्रेस के हवाले से आ रहे हैं कि जो लोग भूल गए हैं वो किस तरह से उसे हासिल कर सकते हैं या गेट बैक कर सकते हैं, यानी नया वॉलेट जनरेट ना करना पड़े। कि ये बाद में, तो ये अभी फ़िलहाल टेस्टिंग फेस है, बाद में हमारा जब रियल वॉलेट होगा तो अगर हम इस तरह करेंगे तो इस तरह तो हमारे सारे पाए जो है वो लॉस्ट हो जाएंगे, तो उसका क्या है। तो इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यही वाले क्वेश्चन को किया है। तो अगर आप लोग का भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर जो है उसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि हमने जो इस वक्त पाए वॉलेट और पाए ब्राउज़र मोबाइल के लिए करा है, उससे पहले हमने नोट्स और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर किया था और उसमें भी ये सारी मसले मसाइल आए थे। जब नोट सॉफ्टवेयर किया था उसमें डेली आप एक वॉलेट जनरेट कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और रोज़ाना ही जनरेट करने लगे। इस तरह क्या हुआ, इनके जो सर्वर था उस पर बहुत ज़्यादा जो है लोड पड़ा था फ्रेंड्स, तो इसलिए इन्होंने इस दफ़ा जो है 1 वीक वाला सिस्टम किया है कि आप एक वीक में एक ही बार वॉलेट को जनरेट कर सकते हैं। अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो पाए वॉलेट है उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इधर पूछ सकते हैं टॉपिक के अंदर जाकर। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग यहाँ पर लाजमी जो है पूछें। देखें, आज हर बंदे ने अलग अलग क्वेश्चन किया है वॉलेट के हवाले से। ये देखें, लोगों ने जो है क्वेश्चन किए हुए हैं इसके अंदर। ये देखें, हाउ कैन आई चेंज माई रिसीविंग ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेशन ज़रूर दूंगी कि आप लोग अपना पाए वॉलेट को टेस्ट करके ज़रूर देखें। अगर आप लोग टेस्ट नहीं करते हैं अपने वॉलेट को तो आप लोगों को बाद में डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि यही वॉलेट आगे जाके आप लोगों का जो है नॉर्मल वॉलेट बन जाएगा। तो अगर बाद में आपके सेंड नहीं हो रहे होंगे या रिसीव नहीं हो रहे होंगे तो आप लोगों को परेशानी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।